हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो कैसे हैं आप सब? तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को संस्कृत का पेपर आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ। संस्कृत का ये सैम्पल पेपर है जो कि क्लास टेंथ के लिए है, 2020 से लेकर के 21 के सेशन के लिए, ठीक है। तो आपका ये जो संस्कृत का जो पेपर होता है उसको कंप्लीट करने के लिए पूरे 3 घंटे मिलते हैं, और ये इसका पूरा टोटल जो मार्क्स होता है वो होता है 80 मार्क्स का। 20 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होता है, ठीक है। तो टोटल करके 100 में आपका रिजल्ट निकलता है। तो आज की इस वीडियो में कुछ मेरे क्वेश्चंस इसमें हैं जो कि आप सॉल्व करिएगा, देखिएगा कि आपको कितना ज़्यादा अच्छा से आता है संस्कृत, ठीक है। अगर आपको एक्स्ट्रा टाइम चाहिए होगा तो प्लीज़ आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है, ठीक है। यहाँ पे बहुविकल्पात्मक प्रश्न है, ठीक है, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको टिक द करेक्ट ऑप्शन कुछ एक ही चूज करना है जो कि आपका 4 मार्क्स का है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, देख लीजिए। एक्स्ट्रा टाइम चाहिए होगा तो प्लीज़ वीडियो को पॉज कर लीजिएगा। देख लीजिए सारे क्वेश्चन को। सारे क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। पूरे साल आपने पढ़ा है नहीं पढ़ा है, दैट डजंट मैटर। अभी आपको कितना आता है ये मैटर करता है, ठीक है। अभी आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है पूरे साल भर, अभी आपको कुछ भी नहीं आता है, कोई दिक्कत नहीं है। आज से पढ़ना स्टार्ट करो, अभी से पढ़ना स्टार्ट करो, और मन में एक जिद बैठा लो कि हाँ यार मुझे पढ़ना है, मुझे बोर्ड पास करना है एटलीस्ट। अभी भी अगर आप पढ़ना स्टार्ट कर दोगे ना तो बोर्ड्स में कम से कम आपको 75 तो आ ही जाएगा, 90 नहीं आ पाएगा, क्या कर सकते हैं, बट 75 तक तो आ जाएगा। तो अच्छा 11th में आपको कोर्स आपका चॉइस का मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इजी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, इजीली स्कोरिंग है। देख लीजिए सारे क्वेश्चंस को। ये 40 मार्क्स का है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए। अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट से रिगार्डिंग ज़रा सा भी डाउट है, मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, इंग्लिश, हिंदी, कंप्यूटर, सोशल साइंस, एनी टॉपिक्स, आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके डाउट्स को ज़रूर क्लियर करूँगी। हमारी टीम बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट है, आपको किसी भी सब्जेक्ट में अगर ज़रा सा भी प्रॉब्लम होगा बिल्कुल आप क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, ये आपको प्रधानाचार्य को लेटर लिखना है, तो इसमें कैसे लिखते हैं वो आपको मालूम होना चाहिए क्योंकि ये 5 मार्क्स में आता है, देख लीजिए। यहाँ मंजूषा से आपको चूज करके लिखना है, यहाँ पे ये दिया हुआ है डब्बा मंजूषा, तो इसमें से आपको चूज करके लिखना है, ठीक है। फिर यहाँ पे ये है चित्र वर्णन, यहाँ पे इसमें क्या हो रहा है, तो यहाँ पे रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जा रहा है, तो वो सब आपको यहाँ पे लिखना होगा। फिर आपको यहाँ पे दीपावली पे लिखना है अनुच्छेद, यहाँ पे दीपावली पे अनुच्छेद कैसे लिखते हैं, तो यहाँ पे आपको मंजूषा दिया हुआ है, बॉक्स दिया हुआ है, इसमें से आपको चूज करके लिखना है। एंड देन यहाँ पे है कि आपको केवल वाक्य लिखना है संस्कृत में, यहाँ पे हिंदी में दिया हुआ है और इंग्लिश में दिया हुआ है, आपको संस्कृत में लिखना है। फिर पठित बोधनम है जिसमें कि आपको एक पढ़ करके इसका आंसर लिखना है, यहाँ पे आप इसको स्टोरी को पढ़ लोगे उसके बाद आपको यहाँ से आंसर देना है। देख लीजिए, एक्स्ट्रा टाइम चाहिए होगा तो प्लीज वीडियो को पॉज कर लीजिएगा। सो स्टूडेंट्स, यहाँ तक हुआ, ये लास्ट क्वेश्चन है एंड आपका यहाँ से क्वेश्चन कंप्लीट होता है।
सो स्टूडेंट्स, अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग ज़रा सा भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन बजा लीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।